तो क्या अभीरा अपने जान की परवाह किए बिना पोदार परिवार को एक वारिस देने के लिए, अरमान की जिंदगी में खुशियों को भरने के लिए संतान देने वाली है? और क्या अभीरा की इसमें जान भी जाने वाली है? क्या अभीरा और अरमान का ये जो बच्चा होगा इसके कारण पोदार परिवार की पूरी नींव बिगड़ने वाली है? और क्या रूही अभीरा और अरमान की जिंदगी में इस खुशियों को आने देगी, या रूही अपनी इस दुश्मनी में एक नया तड़का लगाते हुए अक्षरा मासी के चलते हुए अभीरा से दुश्मनी निभाते हुए अभीरा की इस प्रेगनेंसी में एक नया तड़का लगाने वाली है? क्या कुछ होने वाला है, यह रिश्ता क्या कहलाता है आने वाले एपिसोड में? और ऑन गोइंग ट्रैक के मुताबिक एक बहुत बड़ी खुशखबरी यह भी मिली है कि अभीरा की जो प्रेगनेंसी की खबर है वो अरमान को पता चल चुका है। अरमान ने बिना कुछ सोचे समझे अभीरा को गले लगा लिया, लेकिन अभीरा पूरी खुशी बता पाती, खुशियों की शर्त बता पाती कि इस प्रेगनेंसी के कारण क्या खतरा होने वाला, उसके पहले ही अरमान ने सेलिब्रेशन कर लिया। यानी कुल मिला के अभीरा चाहकर भी अरमान को यह पूरा सच नहीं बता पा रही है। तो क्या अभीरा इस प्रेगनेंसी को अरमान की खुशियों के लिए अपनी जान का दाव लगाने वाली है? यह बहुत बड़ा सवाल है, और इन सवालों के जवाब क्या होने वाले, आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस खास रिपटवा में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े एक और बड़े अपडेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जहां पर दोस्तों सोचने वाली बात है कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है अरमान अभीरा की जिंदगी में, इसका सीधा सीधा इंपैक्ट पता है किसके ऊपर पड़ेगा? रूही और रोहित के ऊपर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनको तो अरमान अभीरा की प्रेगनेंसी में खुश होना चाहिए। हाँ, खुश होना चाहिए था, कब? जब दोस्तों अभीरा अक्षरा की कहानी का एक्सपोज नहीं हुआ था, जब संजय भाई साहब ने, हमारे जमाई साह ने जो रायता फैलाया था मनीष जी के द्वारा, मनीष जी को माफी मंगवाने के द्वारा, फिर अक्षरा का फोटो दिखा के, आरोही का फोटो दिखा के रूही के सामने सच ला दिया। ये सारा रायता फैलाने के पहले ना रूही चाहती थी कि अभीरा भी माँ बने, अरमान को भी इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिले, और हमारी विद्या जी जो अभीरा से, अभीरा नहीं माँ बन पा रही है इस बात से खफा खफा थी, उन्हें भी रिश्ता ठीक हो जाए, उन्हें भी मौका मिले कि वो भी अभीरा और अरमान को अपने बेटा और बहू मान सके। और इसी के लिए अभीरा वापस मां बन रही है, और शायद भगवान का यही इशारा है कि अभीरा और अरमान की जिंदगी में खुशियां लौट आए। लेकिन दोस्तों जो खुशियां होती है ना वो नियम और शर्तों के साथ आती हैं, जैसे दुख भी आते हैं ना वो भी नियम शर्तों के साथ आते हैं। देखिए नियम और शर्तें दोनों तरफ लागू होते हैं, सोचने की और देखने का नजरिया अलग होता है। और यहां पर सीधे और साफ लफ्जों में मैं ये बताऊं दोस्तों, रूही के साथ जो गलतफहमी हुई है या अक्षरा के साथ जो गलतफहमी हुई है उसके बारे में भी कावेरी पोदारी है जो इस सच का सामना करवाने वाली है, इस सच से पर्दा उठाने वाली है, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ऑनगोइंग ट्रैक के मुताबिक मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहां पे अभीरा अरमान को प्रेगनेंसी की खबर बता रही है लेकिन पूरी खबर नहीं बता पा रही है। अरमान को कुछ पता चले, अरमान किसी चीज का रिएक्ट करे, अरमान अभीरा से कुछ और कॉन्सिक्वेंस पूछे, भला अरमान क्यों पूछेगा? भाई कोई भी लड़की आकर अपने हस्बैंड पार्टनर जिसको भी एक खुशखबरी सुनाएगी मैं प्रेग्नेंट हूं, तो कोई भी क्यों सोचेगा कि भाई इस प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कतें होंगी? खुशखबरी के साथ कोई भी खुश हो जाएगा, एक्साइटमेंट लेवल, ये जो खुशी कभी कभी बात होती है ना दोस्तों कि एक बाप बनना वगैरह, इस बात को सुन के किसी का भी एक्साइटमेंट लेवल इतना ऊपर हो जाता है कि वो दूसरी कहानी के बारे, दूसरे चीजों के बारे में सोच ही नहीं पाता है। और इसी के लिए अरमान ने भी सेम वही रिएक्शन दिया, लेकिन अरमान ने जो रिएक्शन दिया ना उस रिएक्शन के कारण ही अभीरा आगे की बातें नहीं बता पा रही है। देखो भाई, अभीरा को यह पता चल गया है कि अरमान सबसे ज्यादा इस दुनिया में एक ही सपने को सबसे ज़्यादा चाहता है, भाई उसकी ज़िंदगी का एक ही सबसे बड़ा सपना, और वो है बाप बनना, और इसी के लिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अरमान के खुद का परिवार नहीं है, भले ही वो इस पोदार परिवार को अपना परिवार मान रहा है लेकिन खून का रिश्ता अरमान का नहीं है। और इसी के लिए अब अरमान अपने पर्सनल परिवार के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है, या यूँ कहें कि भाई उसकी ज़िंदगी का इकलौता मकसद बन चुका है कि वो भी अपना एक बच्चा पा सके। और जब अभीरा इस अरमान के सबसे बड़े सपने को पूरा करने जा रही है तो भाई अभीरा को लेकर अरमान इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है कि वो अभीरा के किसी और बात को सुनने के लायक ही नहीं है, या हालत में ही नहीं है। और अभीरा भी इस हालत में नहीं है कि अरमान की खुशियों में कोई भी दाग लगाए, कोई भी ट्विस्ट लाए कहानी में, इस चांद में कोई दाग लगाए, इसी के लिए अभीरा कुछ बातें नहीं बताती है। अभीरा मन ही मन ये डिसाइड कर लेती है कि मैं इस प्रेगनेंसी को दूंगी भले ही मेरी जान पर खतरा क्यों ना आ जाए। अब अभीरा, मेरी पर्सनल ओपिनियन या व्यूअर्स का ये बताऊं तो ये जो प्रेगनेंसी है ना ये तुम्हारी जान तो लेगा, लेकिन अरमान को जो तुम खुशी दोगे ना उस खुशी के कारण अरमान कभी खुश नहीं रह पाएगा। यानी अभीरा
जो इस परिवार को तुम दे रही हो ना, वो सैक्रिफाइस होगा तुम्हारे लिए। तुम महान बन रही हो, तुम्हें एक बहुत बड़ा मौका मिला है अरमान का, विद्या का, ये पोदार परिवार का, सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, सब लोग खुश रहेंगे। लेकिन तुम्हारी जिंदगी का क्या, क्योंकि तुम भी तो अरमान के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। ये नहीं कि अरमान को छोड़कर मौत के मुंह में जाना चाहती हो, क्योंकि प्यार करना सिर्फ मरना नहीं होता है किसी के लिए, बल्कि साथ जीना भी होता है। और जब अरमान अभीरा तुम दोनों एक साथ रहोगे ही नहीं, तो ऐसे प्यार का क्या ही वैल्यू। और इसी के लिए अरमान कभी जिंदगी में तुम्हें माफ नहीं करेगा। चलो ये तो बात की बात है कि भाई जब बच्चे होंगे वगैरह वगैरह, लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी क्या बताऊं दोस्तों, कि ये जो अभिरा की प्रेगनेंसी है ना, इसके बारे में विद्या को जैसे पता चलेगा, विद्या स्विच कर जाएगी। यकीन मानिए भाई, ये वही विद्या है जो अभिरा से नफरत करती थी ना, अब अभिरा अभिरा खेलेगी और रूही की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि भाई पहले इन्हें अभिरा से प्यार था, लेकिन अभिरा मां नहीं बन पा रही थी इस बारे के कारण, इस एक बहाने के कारण, इस एक चीज के कारण कहानी में बदलाव आ गया था, विद्या के किरदार में बदलाव आ गया था। लेकिन अब जब रूही से स्विच कर जाएंगी, तो वापस रूही अभिरा से पर्सनल दुश्मनी निभाने पे आ जाएगी, क्योंकि अभिरा को तो, रूही को तो पहले से ऐसा लगता है कि अभिरा के कारण उसका अरमान छिना गया, उसकी मां छिना गई है। और अब ये जो बच्चा होने का सुख है, जो गर्भवती का पीरियड है, जो समय, ये सुख भी अभिरा छीन ले रही है। यानी कुल मिलाकर अभिरा ऑटोमेटिकली रूही की जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है ही, और सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। यानी दुश्मनी का जो लेवल है अभिरा और रूही के बीच में, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भाई हमारी अभिरा को इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में दिक्कतें पहले से ही हैं, जो हेल्थ इश्यूज हैं वो तो होने वाले हैं। अरमान के एक्साइटमेंट लेवल को देखकर वो और ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगी और उसे कुछ नहीं बता पाएगी, अपने आप में अंदर ही अंदर घुटती रह जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ी इशू है। लेकिन इस सभी के अलावा रूही जो दिक्कतें पैदा करने वाली ना, वो अलग से इशू है भाई, क्योंकि रूही प्रेगनेंसी के पीरियड में बोला जाता है खुश रहना वगैरह वगैरह, रूही ना खुद खुश रहेगी ना अभिरा को खुश रहने देगी। और यही वो बातें हैं जिसके कारण अभिरा की ये प्रेगनेंसी में बहुत सारे ट्विस्ट लगने वाले। भाई मुझे नहीं लगता कि अभिरा इस बच्चे को सुरक्षित तरीके से जन्म दे पाएगी, हालांकि भगवान की दया से ऐसा कुछ ना हो, मैं भी नहीं बोलना चाहता, कोई भी नहीं सोचना चाहता, लेकिन कहानी में टीआरपी का गेम खेलने के लिए मेकर्स कुछ भी कर सकते भाई, ये बात मैं बता रहा हूँ। उनके पास कोई फीलिंग्स नहीं है, उन्हें सिर्फ ये चाहिए। तो कुल मिला के दोस्तों, अभिरा के साथ जो भी चीज़ें होंगी उसके कारण रूही की जिंदगी में जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, रूही की जो धज्जियाँ उड़ेंगी, क्या इसे देखने के लिए आप एक्साइटेड, और क्या अरमान अभिरा को हंसी पूर्वक, खुशी पूर्वक, माता पिता, पेरेंट्स बनते हुए देखने के लिए आप भी एक्साइटेड है, तो कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताएगा। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, यदि पूरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि वीडियो अच्छी ना लगे तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कोई बात नहीं। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट रेणु कुमार, जल्दी आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता जुड़े एक और बड़े अपडेट में जल्दी आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, और देखते रहें ये रिश्ता क्या कहलाता को स्टार प्लस पर, और एनी टाइम दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते रहे दोस्तों इसके सारे अपडेट्स को आपके अपने द नंबर वन ओनली 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 टाइम्स ऑफ मीडिया पर। और साथ ही दोस्तों कमेंट करके अपने दिल के सुझाव जरूर बताएगा, क्योंकि दिल में बातें ही रखनी चाहिए, वरना रूही जैसे बन जाओगे। और कुल मिला के दोस्तों, अब अरमान अभिरा के इस बच्चे के लिए आपके दिल एक्साइटेड है, क्या आपको भी लगेगा कि आप भी पेरेंट बन गए, तो जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।